आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैसे किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। तो हम सबसे पहले वो इमेज ओपन करते हैं जिसका हमें बैकग्राउंड चेंज करना है। तो हम वो इमेज सेलेक्ट करते हैं और ओपन पे क्लिक करके वो इमेज ओपन करते हैं। अब इसके फ्रेम को थोड़ा बड़ा करते हैं और इस इमेज को सबसे पहले यहाँ जो इमेज है हमें वो इमेज सेलेक्ट करना है ताकि हम उसे दूसरे बैकग्राउंड पर ले जा सके। तो हम इमेज को थोड़ा जूम करते हैं और इस इमेज को हमें जो है इस इमेज को चारों ओर से सिलेक्ट करना है। तो हम जूम कर लेते हैं ताकि यहाँ पे सिलेक्ट करने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पे अब जो है हमें इस इमेज को चारों ओर से सिलेक्ट करना है, सिर्फ इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है ताकि हम इसे दूसरे बैकग्राउंड पे ले जा सकें। तो हम सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आएंगे इस टूल पे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पॉलीगनल लेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इस इमेज को चारों ओर से सिलेक्ट करने के लिए इस पर माउस से लेफ्ट क्लिक को करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक बार जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हुए हर जगह यहाँ पे माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक करते हुए आगे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक इमेज को ऊपर करेंगे। अब हम यहाँ पे स्पेस बटन दबाएंगे कीबोर्ड के और यहाँ से हम इसे ऊपर ड्रैग करेंगे इमेज को, क्योंकि हमें इधर भी सिलेक्ट करना है। तो हम ऊपर ड्रैग करते हैं इमेज को थोड़ा, और यहाँ पे भी हम इस तरीके से जिसे हमने ऊपर किया उसी तरीके से सिलेक्ट करते जाएंगे। यहाँ पे अगर सिलेक्ट करने में आपसे कोई गलती हो जाती है, जैसे कि आपने इस तरह का सिलेक्ट कर लिया, तो आप उसे बैक स्पेस दबाकर सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे चारों ओर से इमेज को सिलेक्ट करते हैं। तो इस इमेज से आपको बढ़िया से इसे सिलेक्ट करना है। तो हमने इसे पूरा सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट के पास आ चुके हैं। अब जो हमें इसे फर्स्ट पॉइंट से मिलाने के लिए आप कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर सकते हैं, तो ये पूरा जो सिलेक्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा इमेज सिलेक्ट हो गया है। अब इसे दूसरे बैकग्राउंड पे हमें ले जाना है, और इसे जो है हम दूसरे बैकग्राउंड पे ले जाने के लिए हम बैकग्राउंड को ओपन करते हैं जिस बैकग्राउंड पे हमें ले जाना है। तो हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं और फिर ओपन पे क्लिक करके वो इमेज सेलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करते हैं जिस पर हमें ये इमेज रखना है। तो अब जो है इस इमेज पे हमें वो इमेज रखना है, तो इसे थोड़ा बड़ा करते हैं और थोड़ा जूम, और हमने जो इमेज सेलेक्ट किया हुआ है ये इमेज, इसे हमें उस पर ले जाना है। तो इसके लिए हम मूव टूल का यूज करेंगे। हम यहाँ पर टूल बॉक्स में मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस इमेज को जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसे ड्रैग करते हुए माउस के लेफ्ट क्लिक से को किए हुए रहना है। उसके बाद उसे यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ पर माउस के लेफ्ट क्लिक को लाकर छोड़ देना है। तो यहाँ पे वो इमेज ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये इमेज आ चुका है, लेकिन ये इमेज जो है आप जब लाएंगे तो ये बहुत बड़ा या बहुत छोटा होगा। तो इसे जो है इस बैकग्राउंड में सेट करना है, इस बैकग्राउंड के बराबर करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से जो है कीबोर्ड से कंट्रोल टी बटन प्रेस करेंगे। तो ये इमेज जो है चारों ओर से सिलेक्ट हो गया है। अब जो है इसे हमें बड़ा करना है। तो अगर आप इसे डायरेक्टली माउस के लेफ्ट क्लिक को किए हुए रहना है किसी कोने पर और उसे ड्रैग करते हुए बड़ा करना है, लेकिन अगर आप ऐसे ही इसे बड़ा करेंगे तो ये जो है इस तरह का बड़ा होगा, चारों साइड से जो है ये बराबर से बड़ा नहीं होगा। तो आपको बड़ा करते टाइम जो है बैक हम जाते हैं। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर बड़ा करना है तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस किए हुए रहें ताकि ये इमेज जो है ठीक से चारों ओर से बराबर से बड़ा हो। तो कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस किए हुए रहें जब आप बड़ा करते हैं। तो ये इमेज आ चुका है बैकग्राउंड के साइज के बराबर। अब हम जो पोजीशन को सेव करने के लिए कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये सेट हो चुका है इस पोजीशन पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो इमेज यहाँ पे लाया है इसमें बैकग्राउंड का कुछ कलर बाकी ही है, पुराना जो बैकग्राउंड था वो बाकी है। तो हमें जो है उस बैकग्राउंड को हटाना है यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे हाथों के बीच में जो है यहाँ पे है पुराना वाला बैकग्राउंड, तो इसे हमें हटाना है। तो यहाँ पे हम इस टूल को लेंगे क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड का कलर सेम है, वाइट है पूरा, इसलिए हम इस टूल को लेंगे। अगर आप बैकग्राउंड के कलर में अलग अलग रहता है तो आप यहाँ पे पॉलीगनल लेजर टूल को सिलेक्ट करें। तो हम यहाँ पे ये मैजिक टूल को लेंगे और इसे यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। अब जो जो भाग बचा हुआ है उसे कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस किए बढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे माउस के लेफ्ट क्लिक को, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमने पूरा यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब हम कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये जो है पुराना बैकग्राउंड जो है वो हट जाएगा और यहाँ पे नया बैकग्राउंड का जो है वो आ जाएगा। अब ऊपर आते हैं और यहाँ पे बालों के पास जो पुराना बैकग्राउंड बचा हुआ है इसे हम हटाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इरेज टूल को लेंगे, तो इस टूल से हम इसे इरेज करेंगे
तो ये टूल जो है बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं, इसे हमें बड़ा करना है। तो टूल को बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे ब्रश टूल को थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है इतना। अब हम जो इसे इरेज करते हैं जहाँ जहाँ पुराना बैकग्राउंड बचा हुआ था, माउस के लेफ्ट क्लिक को की हुए रहना है और इस तरह से इरेज करना है। तो ये हमारा पूरा जो है पुराना वाला बैकग्राउंड हट चुका है और ये पूरा ठीक से इमेज आ चुका है। अब हम इस इमेज के कलर को बैकग्राउंड के कलर से मैच कराएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को सिलेक्ट करके इसके कलर को एडजस्ट करेंगे। तो जितना आप में लगे उतना आप एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद इमेज पर फिर एडजस्टमेंट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद कलर बैलेंस पर आते हैं और यहाँ पर जो कलर जितना लगे उतना हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, रेट थोड़ा ज़्यादा होगा। उसके बाद इसे कलर जो हमने सेट किया हुआ है इसे सेव करने के लिए ओके बटन पर प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे सिलेक्टिव कलर पे, वही सिंपल प्रोसेस, इमेज पे क्लिक करते हैं, एडजस्टमेंट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद सिलेक्टिव कलर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से जो है जो कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसी पर ये वर्क करेगा। तो हम ब्लैक कलर सेलेक्ट करके ब्लैक को थोड़ा डीप करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ब्लैक को थोड़ा डीप करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं वाइट, और इस तरह से आप इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो है हमें यहाँ पे शैडो बनाना है। शैडो बनाने के लिए आपको लेयर वन में जो इमेज का लेयर है उसे उसका डुप्लीकेट लेयर बनाना है। इस पर राइट क्लिक करते हैं, डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करते हैं तो इसका एक और लेयर बन जाएगा। ओके पे क्लिक करते हैं, कोई भी नाम आप यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इस इमेज का डुप्लीकेट लेयर बन चुका है, मतलब यहाँ पे हमारे पास है तीन लेयर, एक बैकग्राउंड का लेयर जिस पे हमने इस इमेज को लाया है, एक है इमेज का लेयर और एक है उसका डुप्लीकेट लेयर। तो हम यहाँ पे जो बीच वाला लेयर है इमेज का उसको हमें शैडो में चेंज करना है। तो इस इमेज को हमें पहले ब्लैक करना होगा, बीच वाला लेयर इसे हमें पहले ब्लैक करना है। तो इसके हम इमेज पे क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट पर आएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे हम सैचुरेशन पर और इसका लाइट जो है उसे ज़ीरो कर देंगे। तो ये जो है पूरा ब्लैक हो जाएगा, लेयर वन ब्लैक हो जाएगा। तो अब जो है आप लेयर टू को ऊपर वाले लेयर को हाइड करके देख सकते हैं कि पूरा पिछला लेयर ब्लैक हो चुका है, ठीक है। अब जो है वो लेयर बीच वाला जो लेयर है उसे हम शैडो में शैडो बनाएंगे उसका। तो हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस किए हुए रहेंगे और उसके बाद हम जो है उसके एक कोने को नीचे खिसकाएंगे जहाँ पे हमें शैडो ले जाना है। उसके बाद दूसरे कोने को भी कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस किए हुए रहना है, उसके बाद इस तरह से उसका यहाँ पे शैडो बना देना है। तो आपको शैडो जहाँ पे सेट करना है उस तरह के से आप यहाँ सेट कर दीजिए अपने अनुसार से। अब जो है शैडो के ओपेसिटी को कम करना है, तो इसके लिए हम लेयर वन जो कि शैडो का लेयर है उसे हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो उसका ओपेसिटी है उसे हम कर लेते हैं थोड़ा कम, जितना हमें चाहिए शैडो उतना हम कम कर लेते हैं। तो ये हमारा इमेज कम्प्लीट हो चुका है, अब हम इसे सेव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी फाइल नेम देते हैं और इसके बाद आप जो है यहाँ पे फॉर्मेट में JPG सिलेक्ट कर लीजिए ताकि ये जो है हर जगह सपोर्टेबल हो। तो इसके बाद आप इसे सेव कर लीजिए। तो ये इस तरह से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।